नेक्स्ट संडे टेस्ट नहीं है बेटा दक्ष, नो टेस्ट। और अगर टेस्ट होगा भी तो उसमें चैप्टर आएगा, पहले आपका मॉर्फोलॉजी वाला, फिर एनाटॉमी वाला आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला तो 1 महीने बाद आएगा, 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, तो डोंट वरी। रिकॉर्डिंग चेक करना, आप लोगों के फोन में दिखा रहा है क्या, स्टार्ट हो गई है क्या? यस हाँ चलो फिर। तो अब मेरे को जल्दी से आप लोग ये बता दो भाई, आप लोगों को सेल के बारे में क्या क्या पता है? मैम, सेल इज वेरी द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। गुड। तो हमें बताया गया कि भाई जो हमारी सेल होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्यों बोलता है? क्योंकि मैम सेल ही सारे हमारे फंक्शन परफॉर्म करता है एंड वो हमें एक को ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देता है। मैम हमारे घर की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट लाइफ क्या है? हमारे घर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ब्रेक एक ब्रिक, क्योंकि हमारा पूरा घर किससे मिलके बना है? एक छोटी छोटी एक ब्रिक से एक वॉल बनी, चार वॉल मिला के एक रूम बना, चार पांच रूम मिला के एक पूरा घर बने, हुआ ना? ऐसे ही ऐसे यहाँ पे होता है। जो हमारी पूरी बॉडी बनता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, कैसे बनता है? बहुत सारे सेल मिला के क्या बनाएंगे? टिश्यू। बहुत सारी ब्रिक्स ने मिला के जैसे एक वॉल बनाया, बहुत सारी वॉल्स ने मिला के एक रूम बनाया, तो बहुत सारे टिश्यूज ने मिला के एक गन ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिला के ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? अब बात ये आती है बच्चों कि सेल हमें पता है, आज के टाइम में मेरे को सेल के बारे में सब कुछ पता है, मतलब सब कुछ नहीं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो सब मेरे को पता है। लेकिन आप सोचो, एक टाइम ऐसा भी तो होगा जब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी कि हमारी बॉडी किस चीज से मिलके बनी है, कैसे हम ऐसे क्यों दिखते हैं, अगर मेरे को कहीं पे कट लग जाए तो ब्लड क्यों निकलता है, ब्लड क्या है? होगा ना ऐसा भी टाइम? यस तो डिस्कस, तो हमारे पास पहला पॉइंट जो आप लोग लिखोगे अपने नोट्स में, वो ये लिखोगे कि जितनी भी हमारी सेल होती हैं, हर एक सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। नोट्स साथ साथ बनाते रहना। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब ये अकेले एग्जिट कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ये। इसके साथ साथ इट कैन परफॉर्म असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के बहुत असेंशियल इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है। लिखो इन पॉइंट्स को। और साथ ही साथ याद करते भी चलना। सेल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी यूनिसेलुलर। सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिर्फ एक सेल से बने होंगे या एक टाइप की सेल से बने होंगे। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल से पूरी बॉडी बनी है। और मल्टी सेलुलर्स वाले मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल। मल्टीपल टाइप की सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है।
अब बात आती है सेल की डिस्कवरी किसने की, किसने की सेल की डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड सेल। रोबर्ट हुक ने मैम डेड सेल किया था एंड एंटोन वॉन लियोक ने लिविंग सेल। वेरी गुड। ये अब जरा एनसीईआरटी देखता है, एनसीईआरटी हमारा क्या कहती है। एनसीईआरटी देखती है व्हेन यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखते हो तो आपको अपने आसपास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सभी टाइप की थिंग्स दिखाई देंगी, और आप अपने आसपास की चीजों पे देख के ये वंडर करते हो, मतलब ये सोचते हो और खुद से क्वेश्चन भी करते होंगे कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब आखिर क्या है। अच्छा अपने आसपास एग्जांपल बताओ, आपके आसपास कौन सी चीजें लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है बताओ। महक गुप्ता, आपके आसपास कोई भी दो लिविंग और दो नॉन लिविंग चीजों का नाम बताओ। तनु, तनु, तनु ने बताया बॉटल, लैपटॉप। ओके आई एम लिविंग, ठीक है महक भी लिविंग है, नॉन लिविंग पेन बुक है, वेरी गुड। मैम आप लिविंग हो? नहीं बेटा मैं नॉन लिविंग हूँ, बॉल लिविंग है राइट। तो आपने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे किया, कैसे बोला कि भाई मोबाइल फोन ये नॉन लिविंग है मैं लिविंग हूँ, लक्ष्य का ब्रेन लिविंग है, लाइफ प्रोसेस होते हुए, सेलुलर लाइफ मूवमेंट। प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस देख पा रहे हो आप, डाइजेशन बॉडी के अंदर में क्या दिख रहा है आपको। नो मैम। कैसे बोला फिर लिविंग है, सिंपल सी है भाई, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर तो पढ़ाया था ना, डिफाइनिंग फीचर्स लिविंग और नॉन लिविंग के। बेटा मूवमेंट नहीं बोल सकते, कृष्णा आपके सामने चेयर रखी है, चेयर को उठा के इधर से इधर रख दो, वो भी तो मूव हो गया ना, मूवमेंट हो गया वो भी। दक्ष वो बुक में ही अंडरलाइन कर लेना बेटा, नोट्स में लिखना चाहोगे लिख लेना, आपकी चॉइस है, बताओ। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ग्रोथ, सेलुलर सबसे पहली चीज, सेलुलर हमने पढ़ा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी इंडिविजुअल को हम लिविंग कंसीडर तब करते हैं जब वो किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना, उसकी बॉडी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है तब हम उसको कंसीडर करते हैं क्या, लिविंग। तब तो यहाँ पे भी वही चीज बोलता है कि भाई आपके आसपास में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें हैं, किसको आपने लिविंग बोला तो क्यों बोला, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, आखिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है जो उसको लिविंग बना रहा है, व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग दैट डजंट हैव विथ अ लिविंग थिंग हैज, जो मेरी नॉन लिविंग थिंग है उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास है, आंसर विल बी सेल, है ना। हर एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सब किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, कुछ हमारे सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, कुछ हमारे मेनी टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। पहला पहला ग्राफ, पैराग्राफ सबको क्लियर है, यस मैम। आ गया। कांशा कांशा वॉइस, बेटा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, नहीं समझ आ रहा गर्मी। नेटवर्किंग रिपीट करो इसको पैराग्राफ को, सिर्फ इतना बोला मैम। कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफाइनिंग फीचर्स हमने पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पहला डिफाइनिंग फीचर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल को हम लिविंग सिर्फ तब कंसीडर करेंगे जब उसकी बॉडी सेल से मिलके बनी होगी, ठीक है, और अगर सेल से मिलके बनी होती है तो आखिरकार सेल ऐसा क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना देता है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
कि क्यों हम एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसीडर करते हैं, कैसे सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके अंदर करा रहा होता है। समझ, जो सिर्फ एक जैसे टाइप से सिंगल सेल से मिलके बनेंगे, यूनिसेलुलर जो बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनेंगे, मल्टी सेलुलर। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई हमने तो बोल दिया कि सेल से मिलके बना होना चाहिए, बट आखिरकार सेल क्या है? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर दो कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं, प्लस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है यहाँ पे दो पॉइंट्स में। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल से मिलके नहीं बनी है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती है, इंडिपेंडेंटली वो लिविंग नहीं होगी कभी भी। हम इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो सेल है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। डन यहां तक सबका? फिर आते हैं डिस्कवरी पे। तो हमारे पहले साइंटिस्ट थे एंटवन लीवेनहुक, जिन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन आएगा, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? ये पॉइंट है नोट डाउन करने का। लिविंग सेल, एंटोन वॉन लीवेनहुक, और डेड सेल को किसने किया था? रोबोट हुक। रॉबर्ट हुक ने। देखो, हमारे रॉबर्ट हुक ने किसके अंदर सबसे पहले डेड सेल को देखा था? उन्होंने सबसे पहले कॉर्क के अंदर डेड सेल को देखा था। इसको छोटा सा लिख लो। जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कॉर्क के अंदर देखा कि कोर्क के अंदर उनको क्या देखने के लिए मिले? कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिले। हाँ, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको देखने के लिए मिले, और इन्हीं कंपार्टमेंट को पहले उन्होंने सेल्यूली बोल दिया, और फिर बाद में इसी को नाम पड़ गया क्या? सेल। कॉर्क क्या होता है? पहले के टाइम में पता क्या होता था? आप आज भी, आप लोग अगर केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाते होंगे, तो वहां पे जो कांच की बोतल होती है ना, तो कांच की बोतल का जो कैप होता है वो वुड का होता है, वुडन कैप, कॉर्क लगा देते हैं। या फिर टीवी वगैरह में भी देखा होगा कॉर्क लगाना, यस कॉर्क मैंने देखा। ढक्कन के जैसे होता है, वुडन होता है। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट्स उनको देखने के लिए मिले थे, उनको सेलुलर फिर सेल बोल दिया। ठीक है मैम, एंटोन साइंटिस्ट भी तो बेटा साइंटिस्ट है, वो तो ऑर्गेनिज्म है ना एक। उन्होंने लिविंग सेल देखी थी, जिंदा मतलब एक ऐसी ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म भी लिख लो, चलो फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिन्होंने, हमारे एंटोन लीवेनहुक है ना, इन्होंने पोंड वाटर के ऊपर स्टडी की थी। एक पॉन्ड में गए, वहां का वाटर इकट्ठा करा, और पॉन्ड के अंदर तो आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, तो पॉन्ड के अंदर उनको बैक्टीरिया मिला था, बैक्टीरियल सेल उन्होंने देखा था। ठीक है, या फिर उन्होंने प्रोटोजोन्स को देखा था, इन्होंने स्पर्मेटोजोन्स को देखा था, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को देखा था, ये लिविंग सेल्स थी बच्चा। क्लियर सुहेल? यस मैम। खुद साइंटिस्ट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल डिफरेंस है। मैं ऑर्गेनिज्म हूं, मैं एक बैक्टीरिया की स्टडी कर रही हूं, तो मैं एक लिविंग सेल की स्टडी कर रही हूं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ने सेल डिस्कवर किया। डन यहां तक? आगे देखो फिर क्या लिखता है।
और हमारा सेल की डिस्कवरी लिविंग एंटोन लेवन हुक डेड रॉबर्ट हुक। फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, उसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। द माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद हमारे पास अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप बने। सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से हम लोग सेल की एक प्रॉपर स्टडी कर पाए कि सेल के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनरीज होती हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। ये सब हमें स्टडी करना पॉसिबल कब हुआ? जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। क्लियर यहाँ तक? यस मैम, हम लोगों को सेल के बारे में पता चल गया, सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया। अब आता है कि हमारे सेल को देख के कुछ साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दे दी थी। सेल थ्योरी का मतलब कि भाई हमारा सेल कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या करता है, उस बेसिस पे। वो मैं आप लोगों को खुद से लिखवा रही हूँ। लिखो जरा। सेल थ्योरी हमारे बच्चों दो साइंटिस्ट ने दी थी। मैथिस शेल्डन एंड थियोड्री शेवान, इन्होंने दिया था 1838 में, एंड इन्होंने दिया था 1839 में। इसीलिए कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कि जो हमारी सेल थ्योरी है वो 1838 और 1839 में दिया गया। इन साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि हमारे शेल्डन साइंटिस्ट क्या थे। शेल्डन साइंटिस्ट हमारे जर्मन के साइंटिस्ट थे ये, और ये थे हमारे बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और जबकि हमारे जो शैवान थे वो ब्रिटिश से थे, ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जी बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने प्लांट के बारे में दिया होगा ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया? प्लांट टिश्यू को देखा, और इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से ही मिलके बने हुए हैं। फिर हमारे जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने किसको स्टडी किया? एनिमल्स को स्टडी किया। एनिमल्स को स्टडी करके इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल एंड देयर बॉडी सराउंडेड बाय एनिमल्स आर सराउंडेड बाय अ थिन मैम्ब्रेन विच इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मैम्ब्रेन। एंड इसके बाद ही ऑल्सो स्टडीड प्लांट टिश्यू। इन्होंने पहले तो एनिमल के ऊपर अपनी स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई शेल्डन ने जो डिस्कवरी किया है मैं उसको एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि उसने कुछ पॉइंट मिस तो नहीं किया है। तो उन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया, और इन्होंने ये पाया कि भाई प्लांट सेल के बाहर एक हार्ड लेयर प्रेजेंट है जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। तो इस बेसिस पे इन्होंने बोला कि प्लांट सेल में क्या है, उनके पास एक सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल को इन्होंने बोल दिया सेल वॉल इज द फीचर ऑफ प्लांट सेल। मतलब अगर मेरे को एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं किस बेसिस पे करूंगी? सेल वॉल के बेसिस पे, क्योंकि प्लांट सेल इज द ओनली फीचर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। यस सुहेल, 9th में भी था ये, 11th में भी पढ़ोगे आगे जाके एमबीबीएस में। कोई भी कोर्स कर लेना, हर जगह यही पढ़ने के लिए मिलेगा।
सुहेल, वहां पे आपने बहुत कम पढ़ा था सेल के बारे में, इस चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ोगे आप। एक ही दम से थोड़ी ना सारी चीजें पढ़ाई जाती है आपको। जब आप नर्सरी क्लास में थे तब आप लोगों को एबीसीडी सिखाई गई, उससे एक लेवल क्लास में गए आपको दो लेटर्स ज्वाइन करने सिखाए गए, तीन वाले सिखाए गए, फिर चार चार, फिर पांच पांच, ऐसे ऐसे सिखाया जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। ऐसी थोड़ी ना कि आपको नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में आपके सामने बुक रख दी थी कि भाई रीडिंग करो, लेटर्स को ज्वाइन करो, नहीं होता ना ऐसा। स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई जाती है। सिर्फ नाइन्थ में पढ़ा देते, सपोज नाइन्थ में पढ़ा के डायरेक्ट एमबीबीएस में पूछ लग जाते, भाई भूल जाते हैं आप लोग कि क्या सेल थ्योरी होती है। इसीलिए कॉन्टिन्यूसली रिविजन के लिए सिलेबस में रखा जाता है सबका। यस मैम, चलो फिर अब एनसीईआरटी को देखते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी बोलती है कि इन 1838 शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, और ये बोला कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना। इट मीन्स प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। एट अबाउट द सेम टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही क्योडरी शैवान 1839 में इन्होंने क्या बोला। 1839 में एक साइंटिस्ट आए, कौन? जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया और उनके अंदर ये पाया कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है विच इज टूडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज के टाइम में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर करते हैं। एंड ही ऑल्सो कॉन्क्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज कि बिकॉज उन्होंने एनिमल सेल की भी स्टडी किया था प्लस प्लांट सेल की भी स्टडी किया था, और उन्होंने ये बोला था कि प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दी प्लांट सेल। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज। ठीक है, तो इस बेसिस पे शैवान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया, एंड इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, द बॉडीज ऑफ दी प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और दी प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। एड कर लो, मैम बोलो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू ही होगा ना। ऑफ सेल मतलब टिश्यू। लिखिए लाइन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। क्या खुशबू, लास्ट स्लाइड ये या फिर ये वाला मटेरियल? मैम मैम टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक देखना है? ठीक वाला अच्छा, सेल थ्योरी वाला जो मैम है। दिखवाया ये था। लिख लो सुहेल, ये लिखना है बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज। चलो मैं लिखवाई देती हूँ। मैंने हो गया। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। लिखिए हाँ, बात देखो देखो अब आगे क्या बोलते हैं ये हमको। फिर शेल्डन एंड शैवान ने एक साथ मिलके एक सेल थ्योरी प्रपोज किया। ये सेल थ्योरी
However, did not explain is how new cells were formed. This is अगेन इम्पॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन आएगा कि हमारी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या था, कि सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया था कि भाई जो से कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं, ये सेल के प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारी शेल्डन एंड शेवान ये नहीं बता पाए थे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो भाई वो मिलियंस ऑफ सेल्स आती कहाँ से हैं, नई नई सेल्स बनती कैसे हैं, हाउ न्यू सेल्स फॉर्म, दिस वाज द एक्सेप्शन ऑफ शेल्डन एंड शेवान। फिर इस चीज को करेक्ट करने के लिए कौन साइंटिस्ट आए हमारे पास, रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने हमारी सेल थ्योरी को कर दिया मॉडिफाई, और इन्होंने मॉडिफाई करके ये बोला कि भाई जितनी भी नई सेल्स है ना वो कहीं आसमान से नहीं टपकती है, पुरानी सेल से ही नई सेल्स बनती है। ऑल न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारी नई सेल पुरानी सेल से ही बनते हैं। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एक टर्म दे दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, अब लिखोगे कैसे इसको, इसको ऐसे लिखना, यहां तक सबने लिख लिया था इतना, अब लिख लो मॉडिफिकेशन ऑफ यस मैम। सेल। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मॉडिफाई तो किया इन्होंने, अपना स्टेटमेंट ऐड किया, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया, रुडोल्फ रिडोल्फ वर्च्यू, कौन सी ईयर में, और क्या बोला, सेल से पुरानी से बनकर आती है नई वाली, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एग्जिस्टिंग सेल। सुहेल ये भी पढ़ा था 9th क्लास में, ऑमनी सेलुला ई सेलुला, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑमनी सेलुला ई सेलुला। इसी को ही हम मॉडर्न सेल थ्योरी, मतलब वो आगे बताती हूँ, चलो मॉडर्न सेल थ्योरी, अभी इसको लिखो। मैम, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर क्या था? ओके ये साइंटिफिक टर्म दिया इन्होंने, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इस स्टेटमेंट को। ओमनिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मैम, पूरी स्टेटमेंट का एक इन्होंने इसमें दे दिया। ओके हाँ। okay. ग्रीक क्या बेटा, लैंग्वेज में आएगा, हाँ ये ग्रीक लैंग्वेज में आएगा। नहीं या ना सबका। चलो तो अब हमारा शेल्डन एंड शेवान की एक थ्योरी हमारे पास है कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इससे हमने मॉडर्न सेल थ्योरी बना लिया, पहला स्टेटमेंट तो शेल्डन एंड शेवान का ले लिया, और सेकंड स्टेटमेंट रुडोल्फ वर्च्यू का ले लिया, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी। क्लियर, यस मैम, हाँ। फिर हम लोगों को सेल थ्योरी के बारे में पता चल गया, अब आता है कि हम सेल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सेल एग्जैक्टली होती कैसे है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल जो होता है ना बच्चों, इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों को जब आप लोगों के स्कूल ओपन हो जाएंगे आपके लैब में कराया जाएगा। अनियन पील के अंदर एक सेल आपको देखने बताएंगे कि उसका स्टेनिंग वगैरह करना, फिर उसको माइक्रोस्कोप में सेल्स कैसे हम ले लिया जाता है सब बताएंगे। ठीक है, वहां से इन्होंने क्या किया, रिकलेक्ट किया सेल की स्ट्रक्चर को। जब आप अनियन सेल के अंदर देखोगे तो अनियन सेल के, अनियन एक प्लांट है, मतलब प्लांट से मिला है, तो अनियन के अंदर मेरे को क्या मिलेगी, प्लांट सेल मिलेगी, और ह्यूमन चीक सेल में एनिमल सेल मिलेगी। तो इन्होंने देखा कि जो अनियन की सेल थी उस सेल के बाहर क्या प्रेजेंट था, एक सेल वॉल प्रेजेंट थी उसकी आउटर बाउंड्री पे, विद इन इन इट्स सेल मैम्ब्रेन, मतलब सेल मैम्ब्रेन के अंदर की साइड एक सेल वॉल प्रेजेंट थी, जबकि हमारे पास जो चीक सेल थी
सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल, उनके पास सिर्फ एक आउटर मेम्ब्रेन थी एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हाईलाइट कर लो उसको. डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जब ह्यूमन चीक सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन को देखा गया तो उसको डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर किया गया, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. और फिर देखा गया कि सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला. और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या, सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्रोमोसोम्स के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो सब किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर होती है. डन यहां तक सबका. फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि सेल हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया कॉल्ड यूकैरियोटिक. इसको मैं अपने वे में लिखवाऊंगी आप लोगों को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. आ जाओ यहाँ पे, डिफरेंस क्रिएट करके लिखना प्रोकैरियोटिक्स. एक सेकेंड, इसको जूम कर देता थोड़ा. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. अब क्या होता है प्रोकैरियोट्स? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, कैरियोट न्यूक्लियस. तो जैसे कि हमने लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो मेरा पहला किंगडम था मोनेरा, मोनेरा किंगडम के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आए थे, नहीं आए थे? वहां पे हमने सीखा था कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो एग्जैक्टली वही होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल है जिनके पास न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट. और यूकैरियोट्स में वो प्रेजेंट है ना. अब इसको ऐसे भी समझो, ये मेरे पास एक प्रोकैरियोट सेल है, ये एक मेरे पास यूकैरियोटिक सेल है. हमने अभी एक लाइन पढ़ी कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए क्रोमोसोम होता है. तो हमारे पास ये प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल है, ये यूकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई कवरिंग नहीं है, तो इसका मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल, देखो न्यूक्लियस कोई सेल ऑर्गेनल ही नहीं होती प्रॉपर. क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा होता है, जेनेटिक मटेरियल के बाहर मेम्ब्रेन जब आके बन जाती है तब वो एक न्यूक्लियर न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं हम उसको, तब प्रॉपरली न्यूक्लियस उसको माना जाता है. जब प्रोकैरियोट के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट के अंदर इवनली स्कैटर्ड होगा या नहीं होगा पूरे साइटोप्लाज्म में? यस मैम, लेकिन यूकैरियोट्स के बाहर तो एक प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोट का स्कैटर्ड रहेगा, यूकैरियोट का एक वेल डिफाइंड पोजीशन पे रहेगा. ठीक है, तो हमारे पास प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में. और कैसा होता है, और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इनके अंदर पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड. डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ठीक है, जबकि हमारे यूकैरियोट्स के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड
लीनियर होता है। हाँ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मतलब हमारे बैक्टीरिया ना, सिर्फ बैक्टीरिया ही यस तो होता है। इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। जबकि यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट्स में और फंजाई में, बाकी में एब्सेंट होती है। मीनाक्षी कोई डाउट? मीनाक्षी या मनीषा? मीनाक्षी। प्लांट्स की सेल वॉल आपको पता है किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से ना। और यस मैम, फंजाई की किससे यस मिलके बनी? मैम, फंजाई की, वेरी फंजाई गुड सही, काइटन करके काइटन। काइटिन से। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो जल्दी था। हो गया। चलो नेक्स्ट चीज पे आओ। फिर नेक्स्ट चीज हमको ये बोलते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, उसके साथ साथ इनके पास क्या नहीं है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल, ओके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। कुछ नहीं होता हमारे प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरियाज के अंदर, दे हैव नथिंग। जबकि इन यूकैरियोट्स एवरीथिंग इज प्रेजेंट। यस लिख लो या फिर प्रेजेंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के, जबकि यूकैरियोट्स में होते हैं 80S टाइप के। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसाइज करते फैक्ट्री। फैक्ट्री हम इनको बोल देते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। 70S राइबोसोम दो टाइप से मिलके बना होता है, 50S और 30S, 80S, 60S और 40S। अब यहाँ पे सिंपल मैथ मत लगा देना कि मैम 50 30 तो 80 होता है, आपने 70 क्यों लिख दिया? सिंपल मैथ्स नहीं चलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर मैथ्स वाला नहीं है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है। यहाँ पे कुछ अमाउंट ज्वाइनिंग के टाइम पे भी कंज्यूम हो जाता है। ये नहीं कि 50 यूनिट और 30 यूनिट, ऐसे वाला नहीं है। डन। यस मैम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो पॉलीजोम्स में पाए जाते हैं। पॉलीजोम का मतलब होता है कि राइबोसोम ऐसे स्कैटर्ड नहीं होते,
एक आरएनए सीक्वेंस होती है, उसके ऊपर ऐसा डैश होता है, ऊपर लार्ज यूनिट नीचे स्मॉल यूनिट। पॉलीजोम का मतलब होता है चेन ऑफ राइबोसोम, चेन में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं और ज्वाइन होते हैं सिर्फ कब, ज्वाइंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होता है वो आप लोगों को 12th क्लास में समझ में आएगा, ज्वाइंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स की पूरी चेन पाई जाती है, बट यूकैरियोट में स्कैटर्ड, और स्कैटर्ड भी लार्ज यूनिट अलग स्मॉल यूनिट अलग ऐसे। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं पाई जाती, मतलब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होगी यहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला सीलिया तो समझते हैं ना आप लोग, इनका फ्लैजिला एकदम सिंपल टाइप का होगा और किससे बना होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, जबकि इनका फ्लैजिला कॉम्प्लेक्स होगा और मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्रांसलेशन बेटा, चलो ट्राई करती हूँ समझाने को, एक बार इसको लिख लो फिर समझाने का ट्राई करती हूँ। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना मैम एक बार फैसला समझा दो। बेटा। फ्लैजिला जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके पास फ्लैजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उनको लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। अच्छा ओके मैम। बेटा दीज आर द प्रोटीन्स ओनली, सिर्फ इतना याद रखो, फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड। मैम ये एक आप एक बार ये फ्लैगिलेटेड प्रोटीन और ट्यूबलिन प्रोटीन बता दोगे मैम, बेटा वो लोड पे लग गई थी क्लास, नेट चला गया था। बेटा इनके बारे में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखना है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, तो ऐसे ये प्रोटीन है फ्लैजिलिन एक ट्यूबुलिन प्रोटीन। डिटेल नहीं ओके पढ़ना है। मैम। हो गया ना सबका, बता दिया करो कि मैम हो गया। देखो सुहेल ने पूछा ट्रांसलेशन क्या होता है, तो बच्चों हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, हमारी इवन सेल समझ लो, सेल के अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है जिसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, मतलब डीएनए अपना डुप्लीकेशन करता है। अगर एक डीएनए है, एक से चार डीएनए बने, एक से दो, दो से चार, ऐसे डुप्लीकेशन चलता रहता है।
फिर वो डीएनए अपने आप को कन्वर्ट करता है आरएनए में, फिर ये आरएनए हमारा बनाता है प्रोटीन। यहाँ पे होता है डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन बन रहा है, ऑब्वियसली किसका यूज करेंगे, राइबोसोम्स का यूज होगा या नहीं होगा, तो यहीं पे वो राइबोसोम्स का यूज होता है। अब राइबोसोम यहाँ पे करते क्या है वो बहुत डिटेल हो जाएगा, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है इसी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पे। ठीक है सुहेल, चलो फिर, ये समझ में आ गया? क्योंकि क्यों डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए का डुप्लीकेशन, बनेगा? मतलब एक डीएनए है तो डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, फिर वो जो डुप्लीकेटेड वाला डीएनए है ना वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। ओके मैम। ऐसे होगा, प्रोटीन बॉडी में मसल्स बनाते हैं ना बेटा, मसल्स नहीं बनाते, सेल बनाता है प्रोटीन, सेल सेल के अंदर भी राइबोसोम्स बनवाते हैं। मसल्स के अंदर हमारा फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर। ठीक है, चलो ओवरव्यू हम पढ़ रहे थे, ओवरव्यू में एक लाइन आया था यही प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला, इसलिए इतनी कहानी मैंने आपको सिखाया। क्या लिखते हैं इस लाइन में, ये कि सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस लेक एब्सेंट होगा उसको प्रोकैरियोट। दोनों के अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब सेल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जो पूरे सेल का वॉल्यूम बनाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये, कि जो साइटोप्लाज्म है इट इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म ही सेल का वो पार्ट है जहां पे सारी सबसे ज्यादा अमाउंट में और सारी मेन एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, चाहे वो एटीपी का बनना हो, चाहे वो आपका प्रोटीन का बनना हो, कुछ भी बन हो, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इस लाइन को नोट डाउन करो जल्दी से, उसी के बाद नोट बना के हैशटैग बना के लिखो, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। और साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज चल रही होती है, अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम बोलते हैं कि सेल जो है हमारा वो लिविंग स्टेट में है। हो गया, आगे बढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्या कहते हैं, बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद अगर हम देखें, यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स, लिखवा दिया है वो पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ना यहाँ पे बच्चों कि नेम द सेल ऑर्गेनली विच लेक मेम्ब्रेन, जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, एंड राइबोसोम फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, विद इन द सेल
राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाए जाते राइबोसोम, हमारी सेल के अंदर दो ऐसी सेल ऑर्गेनलीज हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी। एनिमल सेल्स जितनी होती हैं कंटेन अनादर नॉन मेम्ब्रेन, हमारी एनिमल सेल के पास एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। एंड दिस सेल सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, ये सेंट्रोसोम हमारी प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब जैसे हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस लिखा, हमें किसके बीच में वो डिफरेंस लिखना है, एनिमल और प्लांट सेल में ना। इसमें बट उससे पहले मेम्ब्रेन बाउंड वाला कॉन्सेप्ट लिख लो एक बार। सेल को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज पाए जा रही है उनको। एक वो ऑर्गेनलीज जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन। एक वो ऑर्गेनलीज जिनके पास सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और कुछ वो जो डबल मेम्ब्रेन है जिनके अंदर। विदाउट मेम्ब्रेन में अभी मैंने दो ऑर्गेनलीज का नाम बताया, फर्स्ट वन राइबोसोम, राइबोसोम दूसरा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वाला लिख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी बॉडी। प्लेट जिला, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं ना। यस मैम। लाइजोसोम्स, वैक्यूल। अब ये लाइजोसोम वैक्यूल क्या होता है सब आगे पढ़ोगे आप। परोक्सीसोम एंड स्फेरियोसोम, डबल मैम्ब्रेनस में हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा पूछ लेना। मैम रफ ईआर मतलब क्या होता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसका सरफेस रफ होता है, रफ सरफेस है इसका मतलब उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एक होता है रफ आरईआर, मतलब आरईआर। एक होता है एसईआर, स्मूथ सरफेस, स्मूथ है, नो राइबोसोम। है? ओके उसको पढ़ेंगे हम बेटा, सारी सेल ऑर्गेनलीज ये जितने भी नाम लिखवाए हैं ना सारी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सारी एग्जैक्टली सारी, राइबोसोम भी, सेंट्रोसोम भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, फ्लैजिला, लाइजोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब कुछ। ये नाम लिखवाया मैंने आपको यहाँ पे ताकि याद हो जाए। एग्जैक्टली लाइजोसोम सुसाइडल बैग बोलते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। वेरी गुड। एंड किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। यस क्लोरोप्लास्ट। हो गया ना। हाँ चल
अब लिखो डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ये नोट्स आप लोगों के अभी ऐसे बन रहे हैं, जब आप लोगों के स्कूल भी ओपन होंगे ना तो आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे अलग से। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तब आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, तब बस आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन रिवीजन चाहिए होगा। प्लांट सेल एनिमल सेल, बेटे देखो सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे सेल थ्योरी में हमें पता चला था, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। प्लांट सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगी। एब्सेंट। एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम होता है और प्लांट के अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वो भी लार्ज साइज का वैक्यूल, यहाँ पे एब्सेंट होगा। प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि सेंटर में लार्ज साइज का वैक्यूल आ गया है तो न्यूक्लियस को जगह नहीं मिलेगी, तो न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो न्यूक्लियस क्या बन जाएगा, पेरिफेरल न्यूक्लियस। और एनिमल्स में वही न्यूक्लियस सेंट्रल होगा क्योंकि वहां पे लार्ज वैक्यूल नहीं है। प्लांट्स अपना फूड स्टोर किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च। स्टार्च एनिमल्स ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है। इनके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना आप लोग, इस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर है, उसमें आपको पूरा डिटेल ये पढ़ने को मिलेगा। साइटोकाइनेसिस इनका होता है आपका फरो मेथड के थ्रू, वही चैप्टर में समझाऊंगी फरो मेथड क्या होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया, फरो नहीं होता इसमें, प्लांट है ना, सेल प्लेट मेथड होता है, सेल प्लेट मेथड के थ्रू। और एनिमल्स में फरो मेथड के थ्रू होता है। इतने डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस क्लियर। हाँ दक्ष, अगर एनिमल में प्रेजेंट होगा तो स्मॉल होगा और वो भी टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता कभी भी उसमें। पेरिफेरल में वॉल से अटैच नहीं होगा, सिर्फ वॉल की साइड होगा, अटैच्ड कभी नहीं होता। धन्यवाद। क्या, अब आ जाओ वापस एनसीईआरटी पे। देखो अब हमारी एनसीईआरटी ने, तो यहां तक हम लोगों ने एक एक लाइन पढ़ लिया, पूरा सब कुछ लिख लिया अच्छे से। अब बात आती है कि सेल की जो शेप पे हमें बोलता है कि भाई सेल के अंदर डिफर ग्रेटली, डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर हेलो। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ग्रेटली इन साइज, मतलब साइज के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन मेरे को मिलती है, शेप्स में भी वेरिएशन मिलती है, प्लस एक्टिविटीज में भी। एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास माइकोप्लाज्मा, जिसको हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ। पीपीएलओ, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ, प्लस प्यूरो प्लीरोनिमोनिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनाइजम। लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज याद रखना है बच्चों, पीपीएलओ का सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ,
इतना इसका साइज होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें किसी बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स ना, उसका यस जो मैम, साइज है कितना हो सकता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है मेरे पास, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच है। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग होता है। इन्होंने दिखा दिया हुआ नहीं है, ऑस्ट्रिच एग होता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो हमारे जैसे कि एग्जाम्पल है आरबीसी, आरबीसी का साइज कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बच्चों साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल, नर्व सेल लॉन्ग, लार्जेस्ट बड़ी, लॉन्ग सिर्फ लेंथ पे बड़ी। सेल्स के अंदर वेरिएशन शेप में भी पाए जाते हैं, डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इररेगुलर शेप भी हो सकती है। एंड शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब सेल के फंक्शन, सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस फंक्शन के बेसिस पे सेल की शेप भी वेरी कर सकती है। अब बताओ आया समझ में। अब शेप के बेसिस पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये ऐड कर लो। वैसे इन्होंने ना देखो ये डायग्राम में दिया हुआ, मैं डायग्राम से बता दे। पहला आरबीसी, आरबीसी की शेप क्या होती है याद रखना है, राउंड एंड बाइकोन के। आरबीसी की शेप हमने राउंड और बाइकोन के क्यों बनाई है, आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, हीमोग्लोबिन यस इसके अंदर होता है, तो इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अपने अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जा पाए, इसलिए इसकी शेप हमने राउंड और बाइकोन के बनाई है। नेक्स्ट हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इररेगुलर शेप होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट बचाना, करना, प्रोटेक्शन। स्केवेंजर्स की तरह काम करता है। तो इनको क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल से निकल के बाहर जाना पड़ता है, तो जैसी जगह मिलेगी उसी के अंदर को निकल के इनको बाहर जाना पड़ता है, तो इसका मतलब इनकी शेप वेरी करेगी, इररेगुलर शेप होगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये कॉलमनार एपिथीलियल सेल्स होते हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना, एक लेयर बनाना बाहर का, प्रोटेक्ट करना, तो इसका मतलब इसे लॉन्ग और नैरो होता है। जैसे हमारी नर्व सेल है, नर्व सेल का काम क्या, कंडक्शन करना, नर्व इम्पल्स सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसलिए बहुत ज्यादा ब्रांच और लॉन्ग होती हैं। ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स का काम क्या होता है, वाटर का कंडक्शन करना, इसलिए लॉन्ग होती है, इलांगेटेड होती है। मीजोफिल सेल लीफ के अंदर पाई जाती है, ये राउंड और ओवल होती है, क्योंकि इन मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट हो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिख रहा है शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, कोई सेल जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है वैसी उसकी प्रॉपर शेप है। आया समझ, यस मैम, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। कल की क्लास से हम लोग, कल है ना हमारी क्लास, था थर्सडे, कल हम प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, प्रोकैरियोटिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करके। इस चैप्टर में अराउंड हम 5 लेक्चर तक लगाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपका बेसिक बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पूरा प्लांट फिजियोलॉजी जो पढ़ोगे, पूरे प्लांट फिजियोलॉजी में इसी चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे होंगे। इस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे उसके अंदर पूरा इसी का बेसिक आएगा। 12th में कोई भी चैप्टर उठा के ले लेना, सेल टर्म तो हर जगह आता है, नहीं आता है, सेल हर जगह आता है। तो ये चैप्टर एक ऐसा है जो हर एक चैप्टर से लिंक करता है, तो आई वॉन्ट कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े, क्योंकि हमारे पास टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। यस मैम, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। नहीं।